ये भगवा रंग, ये भगवा रंग। जिसे देख जमाना हो गया दंग, जिसे ओढ़ के नाचे रे बजरंग। जी नमस्कार दोस्तों, आरबी लाइव मीडिया देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ तुहाडा अपना रुपेश बांसल फाजिलका दे साधु आश्रम के नेड़े मैं इस टाइम मौजूद हाँ, जिथों कल एक विशाल भगवा यात्रा जी है वो आयोजित की जानी है। हिंदू जागरण मंच की यह विशाल भगवा यात्रा है, जिस दे विच कल असंख्यक लोग जोड़े वो शामिल होंगे। इस दे विच घोड़े, मोटरसाइकिल, हाथ के ध्वजा लैके लोग जोड़े है वो शामिल हो जा रहे हैं, जिसकी तैयारी लैके इतने जोड़ा काम पूरा कर लिया गया। तैयारियां जोड़िया मुकम्मल हो गई है, टेंट सजा दिता गया। तुहानू दस दिए सब तो पहला इतने संत सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिस दे विच संत समाज के लोग पहुंचेंगे, जिन्हों वालों इतने अपने मुखार बिंद तो हिंदू धर्म की जी गल की जा रही है। उस तो बाद जी एक विशाल भगवा यात्रा तो शुरू की जा रही है, जिसकी अगवाई जी है वो फाजिलका के हिंदू संगठन के आगू करेंगे। हिंदू जागरण मंच के बैनर तले जी भगवा यात्रा आयोजित की जा रही है। तो तैयारियां तुम्हें दिखा दी है किस तरह तरह से टेंट लगा दिता गया है, होर भी जी तैयारियां इतने मुकम्मल कर रही है। चढ़ गया भगवा रंग रंग, मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग, ये भगवा रंग, ये भगवा रंग, ये भगवा रंग, ये भगवा रंग। तो मेरे नाल मौजूद है थे हिंदू जागरण मंच के जेडे आगू ने दर्पण जी। दर्पण जी तो पूछा गया कि किस तरह की भगवा यात्रा हो जा रही है, तो की इन्हें तैयारियां मुकम्मल की गई हैं, कि चीजा शामिल किया जाना है। जी दर्पण जी स्वागत है तुहाडा। जय श्री राम जी। दर्पण जी की कहोगे किस तरह की यह भगवा यात्रा होगी और की तैयारियां मुकम्मल की गई है? भगवा यात्रा बहुत भव्य होने वाली है। जिस तरह का फाजिलका का रुझान है जी, जिस तरह का भरावान का साथ मिल रहा है जी, ए लग रहा है जी पूरा शहर भगवा यात्रा की तैयारी में लग्या हुआ जी। शहर के किन्ने झंडे लगाए गए हैं हुण तक तुहाडे वल्लों, किहड़े-किहड़े मल्लियां नूं कवर किया गया, किहड़े-किहड़े बाजारां नूं कवर किया गया, इहदे बारे भी जानकारी? साडी जिहड़ी भगवा यात्रा है वो शास्त्री चौंक तो शुरू हो रही है जी। इत्थों दी सीधा गऊशाला रोड तो होंदी हुई अपने गांधी चौंक वाले जी, गांधी चौंक तो होंदी हुई अपने मानियां दे कंडे ते जी, उत्थों होंदी हुई बादल कलोनी, बादल कलोनी तो होंदी हुई यात्रा अपने भारत मेडिकल स्टोर ते जी, फिर मैरिया बाजार, फिर घंटाघर चौंक, घंटाघर चौंक तो परनामी चौंक, फिर दोबारा असी शास्त्री चौंक ते आवांगे। तो पूरा रूट भगवा ध्वज नाल लहरा रहे ने जी, भगवा ध्वज पूरे मेहनत दे नाल अपने जिन्ने भी कार्यकर्ता ने उन्होंने काम किया और पूरे फाजिलका शहर दे विच भगवा ध्वज लग चुके ने जी। हुण तक किन्ने ध्वज सर लगाए गए हैं, किस तरह की पूरी व्यवस्था की गई, किन्ने दिन हो गए तुहानूं इस यात्रा की तैयारी करते हुए? सानूं लगभग डेढ़ महीना हो गया जी इहदी तैयारी दे विच, और सानूं लगातार 6 दिन डोर टू डोर कैंपेनिंग दे विच हो गए ने जी। 7000 ध्वज फाजिलका शहर दे विच लग चुके ने जी, 3000 ध्वज पिंडां दे विच भी लग चुके ने जी। जी तो कितों कितों लोग इस यात्रा दे विच शामिल होणगे, किन्नी संख्या होएगी, किस तरह के व्हीकल इहदे विच शामिल होणगे, घोड़े होणगे या किस तरह का होर इंतजाम किया गया? ये असी कुछ झांकियां भी बना रहे हैं जी, वो जिस तरह तुम दसिया जी घोड़े के उपर भी सवार हो जी, कुछ झांकियां साड़िया श्री राम प्रभु श्री रामचंद्र जी की जिस तरह बच्चे बना रहे हैं जी, तो वह झांकियां असी ट्रालिया के उपर कर रहे हैं रेंज जी। तो इस तरह काफ़ी सारे जिमें उत्सव के डीजे होणगे जी, होर भी अपने नाल काफ़ी जिमें ढोल वाले होणगे जी। इस तरह आप उत्साह दे विच बड़ा मनाते हुए इस पर्व नूं आपां जाना जी। किन्ने दिन हो गए जी तुहानूं तैयारी करते हुए? डेढ़ महीना हो गया जी सानूं इस दी तैयारी विच लगे हुए जी। जी लगातार असी इस दी तैयारी दे विच लगभग अगर असी टोटल टीम दी बैठकां दी गल करांगे 450 बैठकां वख-वख संस्थावां दे नाल, धार्मिक और समाजिक संस्थावां बहुत जोर शोर नाल इहदे विच पार्टिसिपेट कर रहियां ने। अज दोबारा सारियां संस्थावां नाल गल कीती गई है और उन्हां दा आश्वासन है जी कल पूरी संस्था साडे नाल इत्थे कंधे नाल कंधा मिला के खड़ी होएगी। सर जिवें तुसीं दस्सिया वी डेढ़ महीने तो तैयारियां जिहड़ियां चल रहियां ने, तो कि संस्थावां का सहयोग मिलिया, किवें तैयारियां कीतियां गईयां, किवें भगवा यात्रा का सोचा गया भी की प्लान किया गया, किवें प्लानिंग सारी हुई? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ 16 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜੀ, 16 ਭਾਗਾਂ ਦੇ 16 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਣਾਏ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ,
क्योंकि सारिया ही संस्थावां असी 165 संस्थावां लिखिया सी जी, असी 165 दी 165 संस्थावां तक पहुंचन विच कामयाब होए हैं जी। अगों उन्हां दा जिहड़ा रिस्पोंस है वह अज भी बहुत पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि असी एक चाहते सी सारिया नाल दुबारा गलबात की जाए, तो जदों फोन दे राही दुबारा गलबात की गई है तो सारिया दा रिस्पोंस बहुत पॉजिटिव आया जी। जी तो कल जी की कार्यक्रम किन्ने बजे कार्यक्रम शुरू होएगा, किन्ने बजे जिहड़े तुहाडे वल्लों जिहड़ी यात्रा है रवाना की जाणी, उस तो पहला की कार्यक्रम होणगे इस दे बारे भी एक जानकारी साडे दर्शकां तक पहुंचाई जाए। साडे लई जिहड़ा भजन दा कार्यक्रम होएगा 9 बजे शुरू हो जाएगा जी। इस दे विच असीं प्रभु श्री राम दे नाम लवांगे जी। 10 बजे तो संत समाज की अगवाई दे विच कार्यक्रम स्टार्ट कर देंगे। 10 बजे तो लैके थोड़ी देर लई बौधिक होएगा जी, आपां उन्हां दे विचार सुणांगे कि भगवा पहला तो आपां नूं इह पता चलना चाहिए ना भगवा हुंदा की है। दूसरा अपना जिहड़ा कार्यक्रम हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य दे विच है, तां सानूं हिंदू नववर्ष बारे जानकारी दित्ती जाएगी सब नूं। ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਭਗਵਾ ਬਾਰੇ ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਨਵ ਵਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਨਵ ਵਰਸ਼ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੀ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਲਗਭਗ ਦੇ ਲਗਭਗ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ 11:15 ਵਜੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ। उस तो बाद आप भिन्न भिन्न बाजारों के आते हुए जिमें मैं दसिया जी पहला गौशाला रोड से जावे जी, फिर रविदास मंदिर तक जावे जी, उतों आप राम मंदिर वाली रोड का रस्ता लवेंगे जी, गांधी चौंक से जावे जी, अगे आप बाणिया के कंडे पर पहुँचा जी, घूम के आप दोबारा फिर जिस तरह गल की सी कि बादल कलोनी, बादल कलोनी तो फिर होंदे हुए आप बीकानेर रोड, बीकानेर रोड तो आप होंदे हुए भारत मैडिकल स्टोर, फिर मेरिया बाजार जी, उस तो बाद घंटाघर चौंक, घंटाघर चौंक तो दोबारा शास्त्री चौंक पर पहुँचागे। तो ये पूरे रूट के सानू बहुत सहयोग मिल रहा जी, जिद स्वागत द्वार भी लग चुके हैं और स्वागत का बहुत बहुत प्रबंध भी किया गया जी। शहर वासियों का इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता जी, जे स्वागत कर रहे हैं। तो ये यात्रा जी होने वाली है, ये कलश यात्रा भी शामिल हो रही है जी, ए संत समाज की अगवाई दे रही है। फिर मैं दोबारा दसना चाहवागा जी, ये समाज का बहुत ज़्यादा सहयोग मिल रहा है और बहुत बहुत धन्यवाद भी है समाज का जी। ये असी जाता पाता के बच्च ना वंटते हुए असी किसी पूरे हिंदू जिहड़ा अपना धर्म है, हिंदू समाज है, सारे समाज में इकट्ठा करने वाली ये यात्रा है, क्योंकि आप अगे देखते हैं जी किन्ने सारे प्रोग्राम होंगे ने जिड़े कि अलग अलग मंदिर, अलग अलग संपर्दाय, अलग अलग जातों द्वारा कटे जाते हैं, पर एक जी भगवा यात्रा है ये सारे जात बिरादरी सारे संपर्दाय जोड़ते हुए एक ऐसी यात्रा फाजिलका दे विच पिछले साल स्टार्ट की गई सी, जिदे विच कि कोई जात पात का बंधन ना रहे, तो असी इनू इस तरह ही लवेंगे कि सारे समाज को इकट्ठी करने वाली एक यात्रा और हिंदू नववर्ष के उपलक्ष के हिंदू नववर्ष की चेतना जगाने वाली यात्रा है जी। तो हिंदू नववर्ष की चेतना जगाने वाली यह यात्रा है, ये दर्पण जी का कहना है। तो मेरे नाल शर्मा जी मौजूद ने, दिनेश शर्मा जी नाल भी गलबात करांगे। शर्मा जी की कहोगे, कितनी तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं ते कितने लोग जिहड़े यात्रा दे विच शामिल होंगे? जिस तरह अपना दर्पण जी ने दसता साडी भगवा यात्रा जो कि साडे नव वर्ष के संबंध में है, जो कि किसी कारण करके असी एक्सटेंड करके 2 अप्रैल नूं कर रहे हैं, जो कि साडा पहला असी गल मिथी हुई सी भी ये असी यात्रा जी करांगे भगवा यात्री इन शड्यूल टाइम च करांगे। जिस तरह किसी भी राष्ट्र के जीवन के उसके त्यौहारों का पर्वों का बहुत बड़ा वड्डा महत्व होता है, क्योंकि ऐसे पर्वों द्वारा ही असी संस्कृति अपनी नू, अपने इतिहास में अपनी परंपरा नू याद करते हैं। जिस तरह भारत राष्ट्र के एक सुदीर्घ साड़ी परंपरा है, श्रेष्ठ इतिहास साड़ी प्राचीन संस्कृति है, तो उन्होंने दस्या भी जिवें भी असी साडे महापुरशां दे जन्मदिन कोई पुण्यतिथि है वो अलग अलग समुदाय द्वारा मनाई जाती है, पर एक ऐसा त्यौहार जिहड़ा कॉमन है हिंदू त्यौहार जिहनूं कह सकदे हां नव संमत मतलब नए साल की शुरुआत, जे असी इतिहास देखिए तो जो अंग्रेजी कैलेंडर है वह जरा सू 1 जनवरी सू आह्वान करता है भी ये साल नवा शुरू हो गया, जो कि साढ़े भारत वर्ष के इतिहास कहता है कि साढ़े वास्ते कोई चीज़ मायने नहीं रखती। वैसे जो साइंस के तरीके देखा जाए, विज्ञानिक दृष्टि देखा जाए, इस त्यौहार के नयापन है जरा असी रात को दिसंबर रात को 31 दिसंबर रात को पब के एक DJ लगा के होटल बुक करा के शोर शराबा करके शराबा पी के जोड़े मनाने हैं, पर जो साढ़ा नव वर्ष की मंगल वेल है असं मंदिर के जाने हैं, असी गाय माता की पूजा भी करने हैं, जो असी बनाने हैं वह प्राचीन है, जो कि असी कह सकते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक भी इसे दिन ही होया, महाराज युधिष्ठिर का राज्याभिषेक भी इसे दिन ही होया। सब तो व्डा जो इतिहासिक पक्ष देखा जाए, साड़ी परंपरा देखी जाए, तो साढ़े जोड़े नवरात्रे ने चेत्र मास की
चेत्र मास की पहली तिथि जो नवरात्रा प्रथम दाता माँ दुर्गा का जरा पूजा का असं करके ताकत का सिंबल सूँ देती है। भगवान श्री राम ने भी जो युद्ध किया लंका से चढ़ाई की थी तो उस तो पहला उन्होंने माता दुर्गा की पूजा करके ही इस युद्ध में जितया से। तो साडे पक्ष वास्ते साडे आने वाली पीढ़ी वास्ते सानू थोड़ा जा सानू समाजिक दृष्टि नाल सानू इतिहासिक दृष्टि नाल साडी संस्कृति अनुसार सानू अपने इतिहास में जरूर देखना पेगा क्योंकि साडी आने वाली पीढ़ी को पता ही नहीं जिहड़े असी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून 12 महीने बनाने हैं या मनाने हैं पर साडे इतिहास के असं कहने भी चेत्र है मास है सावन मास है कार्तिक मास है साढ़ मास है ज्येष्ठ मास है साढ़े जोड़े परंपरिक इतिहासिक मुताबिक जो सा महीने ने यह सूँ मनाने चाहिए ना कि सूँ इंग्लिश कैलेंडर के मुताबिक मना जी। तो शर्मा जी ने बहुत वधिया जरा दसिया कि हिंदू का हिंदुआ का जरा नव वर्ष है वो चेत्र मास की पहली तिथि में जरा शुरू होंगे क्योंकि इसे दिन ही महाराज युधिष्ठिर का राज्यभिषेक होया इसे दिन ही भगवान श्री राम का जरा राज्यभिषेक किया गया सी। तो भगवा यात्रा की गल करते हैं देखो इतने पंडाल जरा सजा दिता गया है तो स्पीकर भी उन्हें लगाए जा रहे हैं ताकि कल जी जनसभा हो जा रही है संत सम्मेलन हो जा रहा है उसको जरा कामयाब बनाया जा सके। तो मेरे होर भी जो पदाधिकारी मौजूद है इन्होंने नाल गलबात करा तो जानेंगे कि किस तरह की तैयारी चल रही है। अशोक जी मेरे मौजूद है अशोक जी गलबात करा जी अशोक जी की कहोगे की तैयारी है। जय श्री राम जी साडे वालों जी पूरी तैयारी हो चुकी है और असी पूरे शहर वासियों बेनती कर रहे हैं कि कल पूरे समय तो 10 मिनट पहले ही इतने पहुँचन ताकि जरा ये हिंदू तब जरा साझा त्यौहार है वह आप रल मिल के मनाईए ताकि पूरी दुनिया को पता लग सके कि एको यो एक त्यौहार है जरा आप सारे किसी भी इन जाति भेदभाव नहीं होएगा। इस तरह मैं आप अनुसार अनुसार एक बार फिर बेनती कर रहा कि सारे कल समय तो 10 मिनट पहले पहुँचन तो इस त्यौहार को पूरे जोर शोर न मनाए जाए। जय श्री राम जी। भगवा यात्रा की तैयारी जी पूरी हो चुकी है तो मेरे भाई साहब भी मौजूद है इन्होंने भी गलबात करा पहला पंडाल के गेड़ा मारते हैं दिखा रहे हैं थोड़ा भी किस तरह के नाल जरा पूरा साउंड सिस्टम इतने लगाया गया तो भाई साहब तो जानकारी लें जी किस तरह की तैयारी होने से चल रही है और कि जरा टेंट वगैरह लगाया गया साउंड लगाया गया किस तरह का सम्मेलन कल किया जाएगा तो उस तो बाद की कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जिमें कि असी सारे मिल के सारे समाज ने मिल के पिछली बार भी प्रयास किया एक बड़ा ही अच्छा सारे च जोश सी इस बार भी उम्मीद ये की जा रही है कि पिछली बार नो दुगना जोश है दुगना कि तिगुना जोश है सारे समाज वाले चाहते हैं कि असी संगठित हो क्योंकि अलग अलग प्लेटफॉर्म से तुम देखोगे बांसल साहब कि अलग अलग प्लेटफॉर्म से सारे सारे आधे आधे घर संभाल रहे हैं जी। किस दिन आवेंगे जो आप कट्ठे होवे वो कि दिन आएगा कि ये आप एक एक समाज एक एक छोटे छोटे अंग च वंड रहा है तो साड़ी एक सारियां दी एक पहल है एक कोशिश है एक अनूठा प्रयास है कि आप कट्ठे होइए एक थां ते कट्ठे होइए एक दो एक दूजे नूं समझिए एक दूजे का दुख सांझा करिए इहदी एक प्रयास है। मैं चाहना बंसल साहब तुसीं इहदे वास्ते पूरा प्रयास करो लोगों तक ये पूरा मैसेज पहुँचे कि ये प्रयास हर एक घर का हिस्सा बने जी। ते उहदे वास्ते ही ये जिहड़ा स्वरूप है वो सजाया गया है ये साडा मिल के एक उत्सव मनाने वाला है जिहड़ा आपां चाहुंदे हां कि हर साल मने हर साल ये नराते शोभित होण ये रामनवमी शोभित होवे ये भगवा यात्रा उहदा अंग बने ते समाज इहदे च बढ़ चढ़ के एक नाल एक रूप एक स्वरूप च बनावे इहनू अखंड बनावे जिवें अखंड भारत की कल्पना है उवें अखंड समाज की भी कल्पना होवे जी। तो जिस तरह अखंड भारत की कल्पना है उस तरह ही अखंड समाज की भी एक कल्पना की जा रही है। तो हिंदू जागरण मंच की जी भगवा यात्रा है वो कल 2 अप्रैल को जरा इतों शुरू होएगी यही वो जगह है जिथे पहला सम्मेलन आयोजित होएगा तो इस तो बाद जरा हिंदू संगठन के लोग जोड़े है वो शहर के भगवा यात्रा क्ढण एक समाज में सनातन धर्म को एकत्रित करने के लिए उन्होंने वालों यात्रा जी की जा रही है। तो हम मैं अपने सहयोगी अनिरुद्ध शर्मा कहूंगा कि वह भी इस बारे के कुछ जानकारी जड़ी दर्शक तक पहुंचा। मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग ये भगवा रंग ये भगवा रंग ये भगवा रंग ये भगवा रंग। कल 2 अप्रैल को भगवा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है तुम दिखा रहे हैं लाइव कवरेज तुम देख सकते हो किस तरह जो है वो तैयारियां कीतियां जा रही ने टेंट जरा पूरी तरह लग चुका है तो होर भी इतने सारे साथ सारे जो साथी मौजूद ने तो अभी गलबात करावे थोड़ी असं उन्होंने जानना चाहेंगे किस तरह जी भगवा यात्रा लैके तैयारियां की जा रही ने चाहेंगे प्रदीप जैन जी तो पूछा किस तरह की जी भगवा यात्रा लैके तैयारियां की जा रही हैं। हाँ जी
ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਲਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਗਵਾ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਮ ਹੁੰਮ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ ਭਗਵਾ ਮਹੋਤਸਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਵੀ ਪਧਾਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਆਪਦੇ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਭਾਈ ਬੰਧੂ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੋ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹੋਤਸਵ ਨੂੰ ਹੁੰਮ ਹੁੰਮ ਆ ਕੇ ਮਨਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ? ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਰੂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਗਤ ਦੁਆਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈ ਬੰਧੂ ਦੀ ਲੰਗਰ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਫੁੱਲ ਵਰਸ਼ਾ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜਾਂ ਜਲਪਾਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨੇ ਅਤੇ 10 ਵਜੇ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿਖੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੋ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਉਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਵੀ ਭਗਵਾ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਨਮਸਕਾਰ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਵਾਰਗਾ, ਭਗਵਾ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਆਰ ਵੀ ਲਾਈਵ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦੇਖਣਗੇ, ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਲਗਭਗ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਘੰਟਾ ਅਨਿਰੁੱਧ ਜੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੁਆਰਾ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸੇ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ 11 ਵਜੇ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਪਲਕਾਂ ਵਿਛਾਈ ਬੈਠਾ ਸਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਸਾਰੇ ਆਪਦੇ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਵਿਨੋਦ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਭਗਵਾ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਸੁਨੀਲ ਸਹਿਦੇਵਾ ਜੀ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਵੀ ਭਗਵਾ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ ਸੁਨੀਲ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ ਆਰ ਬਲਾਈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਹਾਂਜੀ, ਭਗਵਾ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ? ਇਸ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ। ਸਭ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ, ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਭ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਭਗਵਾ ਯਾਤਰਾ ਨਿਕਾਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਵੱਧ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈਣ, ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ, ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ। ਸਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਵਾਗਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਭਗਵਾ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੂਟ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਧਵਜ ਲਵਾਏ ਨੇ ਔਰ ਸਭ ਵਿੱਚ ਸਭ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਭਗਵਾ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਭਗਵਾਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਸਭ ਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭਗਵਾ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਾਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣ, ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ, ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ। ਸਭ ਹਿੰਦੂ ਜਾਤੀਵਾਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਪਾਰਟੀਵਾਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਭ ਹਿੰਦੂ ਇੱਕ ਹੋਣ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਗਵਾ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਪੰਕਜ ਨਾਰੰਗ ਜੀ, ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਭਗਵਾ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਪੰਕਜ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ ਆਰ ਬਲਾਈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਹਾਂਜੀ ਪੰਕਜ ਜੀ, ਭਗਵਾ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਭਗਵਾ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਚੁੱਕਿਆ। ਪੂਰੇ ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਰਾਮ ਭਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜੋਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਯਾਤਰਾ ਇਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਸੋਚ ਤੋਂ ਭਰ ਆਉਣਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੀ ਭਗਵਾ ਯਾਤਰਾ ਸੀ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੀ ਉਨੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ, ਗਲੀ ਗਲੀ, ਹਰੇਕ ਦੁਕਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਭਗਵਾ ਯਾਤਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਭਗਵਾ ਯਾਤਰਾ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੋ।
कल 2 अप्रैल में सवेरे 10 बजे शास्त्री चौंक तो यह भगवा यात्रा शुरू होनी है तो शहर के वक् बाजारों चो आई इतें ही वापस पहुँचेगी। तो मेरी सारे अपील है भी आपके परिवार को खास करके छोटे बच्चों जरूर ना लेके आओ ता जो आप आदि आने वाली पीढ़ी भी दिखा सकीए भी असं साड़ी संस्कृति बारे सारे हिंदू धर्म बारे दस सकी है। इस करके सारे अपील है भी इतने जरूर पहुँचो। इस तो इलावा जिहड़े लोग इतने नहीं पहुँच सकते किसी कारणवश उन्होंने अपील है भी यह भगवा यात्रा तुहाडे बाजारों निकलेगी तुहाडे घरां दे कोल होकर निकलेगी उत्थे राम जी की सवारी होएगी सारा संत समाज होएगा जिन्हें भी राम भगत होएंगे उन्होंने किसी भी तरह पुष्प पक्षा नाल किसी भी तरह उन्होंने स्वागत जरूर करो ते इत्थे जरूर पहुँचो। सो असं पंकज नाल जी सज्जे के तुहानूं जानकारी दे सकदे किस तरह नाल भगवा यात्रा लैके जिहड़ी है तैयारियां जोरों शोरों नाल चल रही तुहानूं दिखा रहे हैं किस तरह शास्त्री चौंक जिहड़ियां भगवा यात्रा लैके तैयारियां जिहड़ियां ने ओह चल रही ने तो शहर के भी जो भगवा यात्रा लैके पूरा जरा है जोश देखने मिल रहा है। सो असी तुहानूं इस तरह ही कवरेज दिखाते रहेंगे। मैं हाँ अनरू शर्मा आरबीलाई मीडिया फाजिलका।